बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाह शिफा अली। आप देख रहे हैं शाह शिफा ट्रिक्स में। आप लोगों को यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा इसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल जाए। तो दोस्तों, आगे चलने से पहले फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखें। देखने के बाद आप प्रैक्टिकल ज़रूर करें। प्रैक्टिकल से आप इंशाल्लाह जल्दी सीखेंगे। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप सीख नहीं पाएंगे। तो इसके अलावा मैं यहाँ से अपना चैनल दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने यूट्यूब उसके फोटोशॉप के बारे में काफ़ी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। इसके अलावा ट्यूटोरियल्स वगैरह भी कुछ हैं। तो आप यहाँ आके तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं करके। यहाँ पर जो भी आप लोगों को चाहिए इंशाल्लाह इससे आपको बहुत अच्छी मालूमात मिलेगी और देख के आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं आसानी के साथ। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फोटोशॉप ओपन करता हूँ। तो फोटोशॉप ओपन करता हूँ उससे पहले फिर मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि फोटोशॉप को आप फोटोशॉप सीखें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आप फोटोशॉप ज़रूर सीखें। इसके बाद मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स और बनाए, कुछ वीडियोस बनाए हैं। एडोब प्रीमियर के बारे में बना कर रखा हुआ और यूट्यूब के बारे में बना कर रखा हुआ है। मैंने अपलोड नहीं किया, इंशाल्लाह मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेरा अभी कोर्स चल रहा है फोटोशॉप के बारे में। तो इसको फोटोशॉप की जो बेसिक हैं इसको हम ख़त्म कर देते हैं अभी। इसके बाद मैं दूसरे टॉपिक पर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ट्यूटोरियल जल्दी जल्दी अपलोड हो जाए ताकि आप लोग भी जल्दी जल्दी सीखें। और ये मैं आप लोगों से ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्दी इसको प्रैक्टिकल करें, सीखें। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने भी बाहर कहीं जाके कोर्स वगैरह नहीं किया है, कोर्स नहीं किया है। मैंने ये दूसरों की ट्यूटोरियल्स देख के मैंने ये सीखा है सब कुछ। तो इसी तरह मैं भी फिर से आप लोगों को भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। इससे आप लोग फ़ायदा उठाएं भाई, फ़ायदा उठाएं। आप लोगों को घर में बैठे बैठे सब कुछ आपको मिल रहा है, कोर्स मिल रहा है भाई। यूट्यूब पे जाके आप लोग सर्च करें एडोब फोटोशॉप के बारे में, आपको हजारों लाखों ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। तो इसमें यह है कि कुछ इस तरह उन लोगों ने बताया हुआ कि मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा काम किया हुआ उसमें साफ सुथरा बता रहा हूँ, हर चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। जो आप लोगों के पास नॉलेज नहीं, जहाँ जहाँ से नॉलेज नहीं मिलेगा वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। अगर आप लोगों को कोई भी मसला होता है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं ताकि मैं उसका जवाब फ़ौरन रिप्लाई करूँगा। और मेरे इस वीडियो के लिंक में मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, तो उधर से आप मेरे नंबर पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं जो भी आपने पूछना है यूट्यूब के बारे में, कोई भी ट्यूटोरियल टिप्स एंड ट्रिक्स कंप्यूटर मोबाइल के हवाले से जो भी आपने पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अच्छी गाइड दूंगा। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमारी टॉपिक है ये पेन टूल के बारे में, ठीक है। हमने पहले पढ़े थे, इसके बाद हमारा पेन टूल आज है। हम यहाँ से कोई पिक ओपन करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कोई भी पिक यहाँ से ओपन करें, चले ये ही ओपन कर देते हैं। तो ये देखें, मैंने यहाँ से ये पिक ओपन करता हूँ यहाँ से। इसकी हमने पेन टूल क्या चीज़ है ये बात है। पेन तो ये नहीं कि जो आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं वो पेन है, वो नहीं है ये पेन। ये पेन इससे हम लोग मतलब तस्वीर की कटाई वगैरह करते हैं। तो ज़्यादातर मैं ये पेन टूल यूज़ करता हूँ, कटाई के लिए पेन टूल यूज़ करता हूँ। काफ़ी चीज़ें यूज़ होती है, पहले भी मैंने आप लोगों को सिखाया है। ये टूल भी यूज़ होता है। ये क्या है, क्विक सिलेक्शन टूल है, मैजिक टूल है, लासो टूल है, फिलहाल काफ़ी टूल यूज़ होते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो पेन टूल है क्योंकि इससे कटाई अच्छी होती है और जल्दी हो जाती है। तो वैसे इसको हम थोड़ा फोकस करते हैं इस तरह, ठीक है। करने के बाद यहाँ से देखें, यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं होना चाहिए, थोड़े से भले अंदर हो ऐसा, बाहर नहीं होना चाहिए। बाहर होगा तो आपका ऐसे बाहर रखोगे ना तो ये ख़राब हो जाएगा तस्वीर। और इसी तरह ये देखें, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका काम ऐसा। ये देखें, थोड़ा सा अंदर अंदर रख दिएगा ऐसा। ये देखें,
ये यहाँ ला के मिला देना है इसको इसके साथ, ठीक है। मिलाने के बाद आपने कंट्रोल इंटर करना है, इसका सिलेक्शन करना है। करने के बाद यहाँ से एड मास्क को ऐड करना है, यहाँ से ये हट गया आपका बैकग्राउंड पीछे का, ठीक है। यहाँ से अगर कोई थोड़ी सी आगे कटिंग वटिंग ये नज़र आ रही है यहाँ से, तो इससे आप रबर से यहाँ से इसको मिटा सकते हैं सर, ठीक है। ये थोड़ा मेरा माउस भी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, ज़रा ये भी मसला है, वरना काम जल्दी होता है, इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा अंदर होगा तो ये काम आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरह तो इसके बाद यहाँ से आपने मूव टूल वो करके यहाँ से फिर आप यहाँ से कोई न्यू फाइल ओपन करनी है, ठीक है। करने के बाद यहाँ आके इसको उठा के यहाँ ले जाना है, देखिए यहाँ आ गया ये बैकग्राउंड, इसका इसकी कटाई होगी, ठीक है। अब देखें तो पेन टूल से हमने किया और जल्दी से, कितना जल्दी से हमने काम किया। और इसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड डालना, कोई बैकग्राउंड अच्छे से बैकग्राउंड डालना चाह रहे तो नीचे यहाँ बैकग्राउंड पे आओ और कोई अच्छा बैकग्राउंड ऐसा लॉक को ओपन करो, ठीक है। ये देखे अच्छे अच्छे बैकग्राउंड यहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है। ये देखे ये देखे इस तरह आप बैकग्राउंड अच्छे से ले सकते हैं। इसके अलावा ऊपर यहाँ आके फिर इसकी एक कॉपी करना चाह रहे हैं ऐसा, कॉपी बनाओ ऐसा, ये देखे कुछ भी कर सकते हैं भाई, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिकल करके करना है सब कुछ भाई, सीखना जल्दी जल्दी सीखेंगे आप, ठीक है। आप कंट्रोल डी करके इसको आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, किसी को बड़ा छोटा करना है तो वो आप लोगों को यहाँ से ऐसा करके देखें, ये ऐसे करके बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह करना है। और इसके अलावा हमारा अगला है, देखिए यहाँ से ये चीज़ें आप लोग सीख जाएंगे, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब ये फ्री फॉर्म के ऊपर काम करना, फ्री फॉर्म का भी काम है, ये कटिंग वटिंग का भी काम करता है, देखिए ऐसा ये चीज़ ऐसा कटिंग करने के लिए काम करता है ये भी। तो इसके अलावा इसको ये उठा के यहाँ लाता हूँ, देखो यहाँ से ये देखें, तो मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से फिर कोई नई फाइल ओपन करते हैं, यहाँ पे आगे करते हैं इसकी, देखो ये कटाई वगैरह करनी है तो ये देखें कंट्रोल की सिलेक्शन और यहाँ से कोई भी कलर करो इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ से एडिट में आके फिल कर दो इसको, कलर जो फिल करना है इसके ऊपर ये कलर फिल हो जाएगा, ठीक है ऐसा। तो ये चीज़ें हैं समझने की थोड़ी, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को समझने की, इंशाल्लाह ये कि काम बहुत करते हैं, ये भी हर जगह पे काम करते हैं, इनको इनके बारे में आप लोगों को फिर समझना पड़ेगा, मैं आप लोगों को ज़्यादा वो नहीं बताऊँगा कि ये करना वो करना ये सब बहुत सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे ये एड इनकोर पेन टूल है और डिलीट करना है, फिर उसको प्लस करना है माइनस करना है, ये भी है कन्वर्ट पेन टूल है, इस तरह ये कन्वर्ट वगैरह करने के लिए होता है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं। इसके अलावा ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल टूल है, हॉरिजॉन्टल टूल यहाँ पे आपने कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लिखने के लिए होता है। जैसे चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, लिखा यहाँ पे उसको ओके कर दिए, शिफा को यहाँ पे ला कर रख दिया मैंने, देखे शिफा के। इसके अलावा यहाँ से रेक्टेंगुलर यूज़ कर सकते हो कोई भी इसके ऊपर से यू ऐसा लुक देने के लिए, ठीक है।
तो इसके अलावा ये देखे यहाँ ओके करके इसको फिर वो लिखाई को बाहर लाना है, तो ये रेक्टेंगुलर हमने यूज़ किया, यहाँ से इसको कलर दूसरे रखो, ठीक है, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा इस तरह, ठीक है। इस तरह आप काफ़ी वो चीज़ें बना सकते हो। तो ये रेक्टेंगुलर हमारा पर, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, और ये हमारा पर ये रेक्टो, इसके अलावा ये काफ़ी चीज़ें हैं। ये वर्टिकल टाइप टूल है, वर्टिकल टाइप टूल नीचे लिखता है, ऐसे ये इंटर करेगा नीचे लिखते जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल टूल, हॉरिजॉन्टल टूल क्या काम करता है, ये इस तरह लिखेगा ये भी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये। और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल का जो वर्टिकल टूल है, ये भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, ये नीचे लिख देता है ऐसा, ठीक है। तो